लेने उपलब्ध करवाएंगे। हमने उनकी पेंशन की राशि को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है तो फिर उस अच्छी सरकार का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, वृद्धजनों को मिलना चाहिए, दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहने, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है, आशा बहनों के साथ आज प्रातःकालीन मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जो लोग जनता के लिए कार्य करेंगे सरकार उनके साथ खड़ी होगी, सरकार हर प्रकार की मदद उन्हें देगी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, लोक कल्याण का कार्य हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई, जहां पे एम्स नहीं वहां एम्स की कार्रवाई, एम्स रायबरेली को 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको का संचालन भी आगे बढ़ा दिया है। आज कोई समस्या नहीं, समस्या तो देश के लिए कांग्रेस बन गई है, समस्या तो देश के प्रदेश के लिए सपा और बसपा बनी हुई है। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भी सभ्य व्यक्ति एक बात जरूर बोलता है, और किसी भी सभ्य व्यक्ति से आप पूछिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है, सपा के झंडे लगे हुए गाड़ी का मतलब अराजकता का ही मत प्रतीक होता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कानपुर की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने इनके भड़कावे भड़काने का किसी भी साजिश के उसमें ना आकर के पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जितने भी ये गुंडे थे सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कानपुर के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये जन विश्वास यात्रा आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है और आपसे यही कहने के लिए, हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी किया, जनता को सुरक्षा भी दी और आपकी आस्था का सम्मान भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस करती? पार्टी करती? और क्या बहन जी से कोई उम्मीद रखते थे क्या? भाइयों बहनों, जो राम और कृष्ण को ही काल्पनिक कह चुके थे वे मंदिर क्या बनाते? और मैं यही पूछने के लिए आया हूं, फिर एक कांग्रेस को क्यों ढोने ढो रहे थे? अब ढोने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस को अब ढोने की आवश्यकता नहीं, जनता अपने आप उसको उसकी दुर्गति तक पहुंचा चुकी है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या भगवान राम का मंदिर बनाते? पक्का विश्वास है आपको? भाइयों बहनों, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम हो, मैं जानता हूं राकेश प्रताप सिंह अपने यहां हर दिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अखंड रामायण का पाठ करके
ये कांग्रेस में थे, एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे और निमंत्रण देने के लिए आए, एक हिसाब में रामायण का पाठ करा रहा हूं। मैंने कहा भाई आप तो कांग्रेस में हैं, इन्होंने कहा भूल से मैं कांग्रेस में चला गया। मैंने कहा भाई कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व तो राम को मानता ही नहीं, क्योंकि वहां का नेतृत्व कहता राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, तो फिर अखंड रामायण का पाठ कैसे हो रहा है। भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कांग्रेस की विदाई करने के लिए बीजेपी के साथ ही जोड़ करके आएंगे। और भाइयों बहनों, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए वे हमारे बीच में आए हैं। आप याद करिए, भाई बहन की जोड़ी जब कोरोना कालखंड में प्रदेश के श्रमिकों और देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, गलत गलत ट्वीट करके, गुमराह करने वाला ट्वीट करके, उस समय कांग्रेस की विधायक थी और उन्होंने मजबूती के साथ उनका प्रतिरोध किया था, आपकी रायबरेली सदर से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने उस समय इसका विरोध किया था कि नहीं, कांग्रेस गलत लाइन पे चल रही है, कोरोना प्रबंधन प्रदेश सरकार अच्छा कर रही है और हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। और आज भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आप सबके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो या फिर काशी में भगवान विश्वनाथ धाम के निर्माण के माध्यम से देश के श्रमिकों के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आपने देखा होगा, ये पहली बार आपने देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और लोकार्पण के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किसका किया, पुष्प वर्षा किया श्रमिकों के ऊपर, क्योंकि श्रमिक ही वास्तव में राष्ट्र निर्माता है और राष्ट्र निर्माण के साथ अपना श्रम लगाने वाले उन श्रमिकों का वंदन करने के लिए भाइयों बहनों आज केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा, इतनी भीषण शीतलहरी में, इतनी भारी संख्या में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए, जन विश्वास यात्रा का अपार समर्थन आपने यहां पर मुझे दिया है और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आपने संकल्प लिया है कि रायबरेली की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का कार्य आप करेंगे।